साथ अव्यव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पांच अव्यव हैं। जैसे घट अनित्य है, यह प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति वाला होने से यह हेतु है। उत्पत्ति धर्म वाले पट आदि द्रव्य अनित्य देखने में आते हैं, यह उदाहरण है। ऐसा ही घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसको उपनय कहते हैं। इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट अनित्य सिद्ध हुआ, इसका नाम निगमन है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्व प्रमाणों में जो अनुमान कहा है, यह दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान अर्थात अपने लिए अनुमान और परार्थानुमान अर्थात दूसरे के लिए अनुमान। स्वार्थानुमान कर्ता जब उस ज्ञान को दूसरे को निश्चय कराना चाहता है, तब उसकी सिद्धि के लिए अपने मुख से उसे जो वाक्य कहना पड़ता है, उसके ये पांच अवयव होते हैं और वही अनुमान प्रार्थानुमान कहलाता है। 8. तर्क, जिसका तत्व ज्ञात ना हो, उसको जानना चाहते हुए उसमें कारण के संभव से तत्व ज्ञान के लिए जो युक्ति है, वह तर्क है। 9. निर्णय, संशय उठाकर पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अर्थ का अवधारण निर्णय है। 10. वाद, पक्ष और प्रतिपक्ष का वह अंगीकार जिसमें प्रमाणों से और तर्क से साधन और प्रतिषेध हो, जो सिद्धांत से विरुद्ध न हो और पांचों अवयवों से युक्त हो, वाद कहलाता है। 11. जल्प, जो वाद के विशेषणों से युक्त हो किंतु जिसमें छल, जाति और निग्रह स्थानों से भी साधन और प्रतिषेध हो, वह जल्प है। 12. वितंडा, जल्प जब प्रतिपक्ष स्थापना से हो तो वितंडा होता है। इस प्रकार किसी अर्थ के निर्णय के लिए वादी प्रतिवादी की जो बातचीत होती है, उसका नाम कथा है और वह तीन प्रकार की होती है। तत्व निर्णय के लिए वाद होता है, दूसरों को परास्त करने के लिए वा सिद्धांत की रक्षा के लिए जल्प होता है, और जहाँ विजिगीषु छल जाति आदि का भी प्रयोग करता है और अपने पक्ष स्थापन से हीन केवल दूसरे के पक्ष पर प्रमाण, तर्क, छल, जाति आदि से सब प्रकार आक्षेप करता है, वह वितंडा है। 13. हेत्वाभास, हेत्वाभास वे है जो हेतु लक्षण के न होने से हैं तो अहेतु किंतु हेतु के समान हेतुवत भासते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं। पहला सव्यभिचार हेत्वाभास, जो एक में अर्थात केवल साध्य में ही नियत न हो अर्थात अव्यवस्था में हो। जैसे किसी ने कहा शब्द नित्य है, स्पर्शवान न होने से स्पर्श वाला घट अनित्य देखा जाता है। शब्द वैसा स्पर्श वाला नहीं, इसलिए शब्द नित्य है। यहाँ दृष्टांत में स्पर्शत्व और अनित्यत्व रूप धर्म साध्य साधन भूत नहीं है, क्योंकि परमाणु स्पर्शवान है किंतु अनित्य नहीं, नित्य है। ऐसे ही यदि कहें कि जो स्पर्शवान नहीं वह नित्य है, जैसे आत्मा, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि स्पर्श वाली नहीं किंतु नित्य नहीं, अनित्य है। इस कारण दोनों दृष्टांतों में व्यभिचार आने से स्पर्शत्व न होना हेतु सव्यभिचार हुआ। दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास, सिद्धांत को अंगीकार करके उसी का विरोधी जो हेतु है, वह विरुद्ध हेतु है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि कार्य है, यह कार्य होना नित्यता का विरोधी है, न कि साधक। तीसरा प्रकरण सम हेत्वाभास, विचार के आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्ष को प्रकरण कहते हैं। उसकी चिंता संशय से लेकर निर्णय तक जिस कारण की गई है, वही निर्णय के लिए काम में लाया जाए तो दोनों पक्षों की समता से प्रकरण से आगे नहीं बढ़ता, इसलिए प्रकरण सम हुआ। जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है, तो नित्य धर्म का ज्ञान न होने से यह हेतु प्रकरण सम है। इससे दो पक्षों में किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शब्द में
नित्यत्व धर्म का ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं बनता, अथवा अनित्यत्व धर्म का ज्ञान शब्द में होता तो भी प्रकरण सिद्ध न होता। अर्थात यदि दो धर्मों में से एक का भी ज्ञान होता तो शब्द अनित्य है कि नित्य, यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता। चौथा, साध्य सम हेत्वाभास। स्वयं साधनीय होने के कारण जो साध्य से कोई विशेषता नहीं रखता वह साध्य सम है। जैसे छाया द्रव्य है, यह साध्य है। गति वाला होने से यह हेतु है, क्योंकि छाया का गतिमान होना स्वयं साध्य कोटि में है। इसलिए यह हेतु साध्य से विशेष नहीं, इसलिए साध्य के सम हुआ। क्योंकि छाया में जैसे द्रव्यत्व साध्य है, वैसे ही गति भी साध्य है। पांच, कालातीत हेत्वाभास। जिस अर्थ का वर्णन समय चूक कर किया गया हो उसे कालातीत कहते हैं। हेतु का काल वह है जब अर्थ संदिग्ध हो, किंतु जब अर्थ किसी प्रबल प्रमाण से निश्चित हो तो वहां हेतु उसे उलटकर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि अग्नि उष्ण नहीं है क्योंकि द्रव्य है, तो यह हेतु कालातीत है, क्योंकि जब अग्नि का उष्ण होना प्रत्यक्ष से निश्चित है तो यहाँ उष्ण न होना सिद्ध करने के लिए हेतु का काल ही नहीं, क्योंकि अग्नि का उष्ण न होना प्रत्यक्ष से बाधित है। अतएव नवीन न्यायिक कालातीत को बाधित भी कहते हैं। 14, छल। अर्थ को बदल देने से वादी के वचन का विघात करना छल है, अर्थात वादी के कहने का जो अभिप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उस पर आक्षेप करना छल है। यह छल तीन प्रकार का है। एक, वाक छल। साधारण रूप से कहे हुए अर्थ में वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अन्य अर्थ की कल्पना को वाक छल कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यह बालक नव कंबलवान है। कहने वाले का यहाँ आशय यह है कि इस बालक का कंबल नया है, पर छलवादी वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कहता है कि इस लड़के के पास तो केवल एक कंबल है, नौ कहाँ है। नव शब्द के नवीन और नौ, ये दो अर्थ हैं। इस छलवादी की रोक यह है कि नव कंबल शब्द, जो दो विशेष अर्थों का एक सामान्य शब्द है, उसमें जो तुमने एक अर्थ की कल्पना कर ली है, इसका क्या हेतु है? क्योंकि बिना निश्चय किए अर्थ विशेष का निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अर्थ इसको अभी प्रेत है और वह विशेष तुम्हारे अर्थ में नहीं है, इसलिए यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता। दो, सामान्य छल। जो बात बन सकती है उसके स्थान में अति समानता को लेकर एक बनती बात की कल्पना सामान्य छल है। जैसे किसी ने कहा, यह ब्रह्मचारी विद्या विनय संपन्न है। इस वचन का खंडन अर्थ विकल्प से ग्रहण तथा असंभव अर्थ की कल्पना से करना कि जैसे ब्रह्मचारी में विद्या विनय संपत्ति संभव है वैसा व्रात्य में भी है, तो व्रात्य भी ब्रह्मचारी है क्योंकि वह भी विद्या विनय संपन्न है। इसका खंडन यह है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक है, इसलिए इससे असंभव अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती। ब्रह्मचारी संपत्ति का विषय है, इसका हेतु नहीं है। तीन, उपचार छल। धर्म के अमुख्य प्रयोग में मुख्य अर्थ से प्रतिषेध उपचार छल है। यहाँ धर्म से अभिप्राय वृत्ति का है। शब्द की वृत्ति दो प्रकार की है, मुख्य और अमुख्य। मुख्य अर्थ में मुख्य वृत्ति होती है, जैसे गंगायाम स्नाति। यहाँ गंगा शब्द मुख्य वृत्ति से प्रवाह का बोधक है। मुख्य वृत्ति को शक्ति कहते हैं और गंगायाम घोषः, यह गंगा शब्द अमुख्य वृत्ति से गंगा तीर का बोधक है। अमुख्य वृत्ति को लक्षण कहते हैं। जब लक्षण वृत्ति से प्रयोग किया गया हो और मुख्य वृत्ति को लेकर कोई निषेध करे, जैसे कहा है गंगा में घोष, तो घोष तो उसके किनारे पर है,
तो यह उपचार छल है। अथवा जैसे किसी ने कहा मचान चिल्ला रहे हैं, इसका दूसरा खंडन करता है कि मचानों पर बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं, न कि मचान। मचान शब्द के मुख्य अर्थ लकड़ियों से बनी ऊंची बैठक के हैं, जो किसान खेती की रखवाली के लिए बना लेते हैं और उसमें शब्दकारिता असंभव है। इसलिए अमुख्य वृत्ति से मंच पर बैठे पुरुष बोलते हैं, यह वक्ता का अभिप्राय है। वादी इसके अभिप्राय को न लेकर शंका करता है कि मंच पर बैठे पुरुष बोलते हैं, न कि मंच। यह उपचार छल है। इसका खंडन यह है कि यहाँ मचान शब्द मुख्य नहीं, गौण है। मंचस्थ पुरुषों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। प्रधान और गौण शब्द का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर होता है और अर्थ उसी के अभिप्राय से लिया जाता है। 15. जाति। साधर्म्य और वैधर्म्य से प्रतिषेध करने को जाति कहते हैं। असत उत्तर जाति है। जब कोई सच्चा उत्तर न सूझे तो साधर्म्य वैधर्म्य को लेकर ही जो समय टाला जाता है वह जाति उत्तर होता है। जाति के 24 भेद हैं, जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिए जाते हैं। 16. निग्रह स्थान। विप्रतिपत्ति अर्थात उल्टा समझना या अप्रतिपत्ति अर्थात प्रकरण के अज्ञान को निग्रह स्थान कहते हैं। अर्थात विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करने से पराजय होती है। प्रतिपत्ति का अर्थ प्रवृत्ति है। विपरीत अथवा निंदित प्रवृत्ति को विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरे से सिद्ध किए पक्ष खंडन न करना अथवा अपने पक्ष पर दिए हुए दोष का समाधान न करना अप्रतिपत्ति है। निग्रह स्थान 22 प्रकार का है। स्थानाभाव से उन भेदों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। निग्रह स्थान का साधारण लक्षण उत्तर का स्पुरण या उल्टा स्पुरण समझ लेना चाहिए। वैशेषिक दर्शन के 9 द्रव्यों के सदृश न्याय दर्शन के इन 16 पदार्थों में से वास्तव में मुख्य 12 प्रमेय ही है, जो प्रमाण द्वारा जानने योग्य है। अन्य सब पदार्थ प्रमेय का प्रमाण द्वारा ज्ञान कराने में सहायक हैं। प्रमेय। पहला, आत्मा, जिसके पहचान के लिए इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और प्रयत्न लिंग हैं, यही भोक्ता है। 2. शरीर, जो चेष्टा, इंद्रियों और अर्थों का आश्रय और भोग का स्थान है। 3. इंद्रियां, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र, जिनके उपादान कारण क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, ये भोग के साधन हैं। 4. अर्थ, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो पांचों इंद्रियों के यथाक्रम भोगने योग्य विषय और 5 भूतों के यथा योग्य गुण हैं। 5. बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, ये 3 पर्याय शब्द हैं। अर्थों का भोगना अर्थात अनुभव करना बुद्धि है। 6. मन, जिसका लिंग 1 से अधिक ज्ञानेंद्रियों से एक समय में ज्ञान न होना है, जो सारी इंद्रियों का सहायक और सुख दुख आदि का अनुभव कराने वाला है। 7. प्रवृत्ति, मन, वाणी और शरीर से कार्य का आरंभ होना प्रवृत्ति है। 8. दोष, प्रवृत्त करना जिनका लक्षण है, वे राग, द्वेष और मोह, 3 दोष हैं। 9. प्रेत भाव, पुनर्जन्म अर्थात सूक्ष्म शरीर का एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना प्रेत भाव है। 10. फल, प्रवृत्ति और दोष से जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं। फल 2 प्रकार का होता है, मुख्य और गौण। मुख्य फल सुख दुख का अनुभव है और सुख दुख के साधन शरीर, इंद्रियां, विषय आदि गौण फल है। यहाँ दोनों फलों के ग्रहण करने के लिए अर्थ कहा है। राग, द्वेष और मोह जो दोष हैं, उनमें से मोह राग द्वेष का कारण है
और प्रवृत्ति फल की उत्पादक है। 11. दुख। जिसका लक्षण पीड़ा है, सुख भी दुख के अंतर्गत है, क्योंकि सुख बिना दुख के नहीं रह सकता। 12. अपवर्ग। दुख की अत्यंत निवृत्ति अर्थात ब्रह्म प्राप्ति अपवर्ग है। इन दोनों दर्शनों के अनुसार आत्मा, आकाश, काल, दिशा, मन और परमाणु नित्य हैं और शरीर, इंद्रियां, चारों स्थूल भूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इनसे बनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है। नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिए। आत्मा, आकाश, काल और दिशा विभू अर्थात व्यापक होने के कारण और मन तथा चारों भूतों के परमाणु जो अणु है अति सूक्ष्म होने के कारण निरवयव होने से नित्य हैं। इस अंश में विभू और अणु द्रव्य समान हैं, किंतु अणु परिछिन्न एक देशीय होने से सक्रिय होते हैं और विभू व्यापक होने से निष्क्रिय। इस अंश में अणु और विभू एक दूसरे से विरोधी धर्म वाले हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शरीर, इंद्रियां तथा भूमंडल आदि समस्त मूर्तिमान पदार्थ अवयव वाले, सक्रिय और अनित्य हैं। इन दोनों दर्शनों ने सांख्य के सदृश परमात्म तत्व को आत्म तत्व में सम्मिलित कर दिया है, अर्थात उसका अलग वर्णन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्व को अस्वीकार किया है। ईश्वरीय ज्ञान वेद को दोनों दर्शनों में आगम प्रमाण माना है। इस प्रकार परमात्म तत्व का अलग वर्णन न करने का कारण यह है कि इन दोनों दर्शनों ने वेदांत के समान हेतु अर्थात दुख का कारण अविद्या, मिथ्या ज्ञान या अविवेक माना है। हान अर्थात दुख का अत्यंत अभाव स्वरूप अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या ब्रह्म प्राप्ति बतलाया है, किंतु हानोपाय अर्थात दुख निवृत्ति का साधन जहां वेदांत ने ब्रह्म ज्ञान बतलाया है, वहां इन दोनों दर्शनों ने जड़ और चेतन तत्व का विवेक अर्थात तत्व ज्ञान माना है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरो उत्तरा पाए तदनंतरा भावाद अपवर्गः। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या का नाश होता है। मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का नाश होता है। दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश होता है। प्रवृत्ति के नाश से जन्म का न मिलना और जन्म के न मिलने से सब दुखों का अभाव होता है। सब दुखों का अभाव ही अपवर्ग है। आत्मेंद्रिय मनो अर्थ सन्निकृषात सुख दुखे। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से सुख दुख होते हैं। तदनारंभ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुखा भाव स योगः। मन का आत्मा में स्थित होने पर उसका जो अनारंभ है वह योग है, जो शरीर के दुख के अभाव का हेतु है। अपसर्पणम् उपसर्पणम् शीत पित संयोगाः कार्यांतर संयोगाश्च इत्यदृष्ट कारितानि। यह जो मरने के समय मन का पूर्व देह से निकलना और प्रवेश करना है तथा जन्म से ही जो खाने पीने की वस्तुओं के संयोग है तथा दूसरे शरीर का जो संयोग है, ये अदृष्ट से कराए जाते हैं। यहां अदृष्ट मीमांसकों के अपूर्व और सांख्य योग के कर्माशय के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तद्भावे संयोगा भावो अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। तत्व ज्ञान से उस अदृष्ट का अभाव हो जाने पर पूर्व शरीर से संयोग का अभाव और नए का प्रकट न होना मोक्ष है। न्याय मंजरी में मुक्ति के स्वरूप का इस प्रकार का वर्णन किया गया है। स्वरूपेक प्रतिष्ठानः परित्यक्तो अखिलेर गुणः उर्मी षट कातिगम रूपम् तदस्याहुर मनीषिणी ही संसार बंधनाधीनम्
दुख कलेशाद्य दूषितम्। मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित और अखिल गुणों से विरहित रहता है। उर्मी का अर्थ क्लेश विशेष है। भूख प्यास प्राण के, लोभ मोह चित्त के, शीत और तप शरीर के कलेशदायक होने से उर्मी कहे जाते हैं। मुक्त आत्मा इन छह उर्मियों के प्रभाव को पार कर लेता है और दुख कलेश आदि सांसारिक बंधनों से विमुक्त होता है। मुक्त अवस्था में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है। आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप को वेदांत में बतलाया गया है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। पर ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। यही सांख्य और योग का कैवल्य है और वेदांत की शुद्ध, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप में अवस्थिति है। सुख दुख, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म अधर्म आदि सांख्य में बुद्धि के धर्म बतलाए गए हैं, किंतु न्याय और वैशेषिक में बुद्धि को आत्मा में सम्मिलित करके आत्मा के शबल स्वरूप को जड़ पदार्थों से भिन्न पहचान करने के लिए उसके लिंग के रूप में वर्णन किए गए हैं। यह भ्रम मूलक शंका नहीं होनी चाहिए कि मुक्त अवस्था में ज्ञान के न रहने से आत्मा एक जड़ पदार्थ रह जाएगा, क्योंकि बुद्धि का धर्म रूप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति के तीनों गुणों में सत्व गुण का सात्विक प्रकाश रूप है और आत्मा का ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतन रूप है, क्योंकि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप है। उससे प्रकाशित होने के कारण बुद्धि में चेतनता की प्रतीति होती है। मुक्त अवस्था में दुख सुख दोनों का अभाव होता है, क्योंकि वास्तव में तो दुख निवृत्ति का ही नाम सुख है। सुख के साथ राग लगा रहता है और वह बंधन का कारण है, तथा परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। क्योंकि परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख बना रहता है और गुणों के स्वभाव में भी विरोध है, इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के रजस में दुख है और सत्व में सुख है, इसलिए सुख के बने रहने में गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती। सुख विषय और विषय भोक्ता दोनों की अपेक्षा रखता है। इस कारण मुक्त अवस्था में सुख के मानने से निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध अद्वैत की सिद्धि न हो सकेगी। उपनिषदों में जहां ब्रह्म के साथ आनंद का शब्द आया है, वह ज्ञान के अर्थ में है, अथवा वे श्रुतियां शबल ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म की सूचक है, और वह मुक्ति की अवस्था शबल ब्रह्म की प्राप्ति है जो पुनरावर्तनी है और ब्रह्म लोक तक सूक्ष्म लोकों के आनंद को भोगना है, और जो सांख्य और योग के अनुसार संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है। इसलिए कैवल्य रूप और पुनरावर्तनी रूप दो प्रकार की मुक्ति है, जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करे। कार्य कारण। प्रत्येक संहत्यकारी अर्थात किसी प्रयोजन के लिए बनी हुई वस्तु जैसे वस्त्र कार्य कहलाता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। यह कारण तीन प्रकार का होता है। पहला उपादान कारण, जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तंतु जिससे वह वस्त्र बना है। यहाँ तंतु वस्त्र का उपादान कारण है। दूसरा निमित्त कारण, तंतुओं का संयोग विशेष करने वाला जुलाहा निमित्त कारण है। तीसरा साधारण कारण, तंतुओं का ओतप्रोत रूप में संयोग विशेष तथा करघा आदि साधारण कारण है। न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत। इन दोनों दर्शनों का सिद्धांत आरंभिक उपादान कारण अर्थात प्रमाणुवाद है। इनके सिद्धांतानुसार
सारे स्थूल पदार्थों के मूल उपादान कारण निरावयव सूक्ष्म परमाणु है। ऐसे दो परमाणुओं के आपस में संयुक्त हो जाने से ह्युणक की उत्पत्ति होती है। जो अणु परमाणु विशिष्ट होने से स्वयं अतींद्रिय होते हैं, ऐसे तीन ह्युणकों के संयोग से त्रिअणुक की उत्पत्ति होती है। जो महत परमाणु से संयुक्त होने से जन्य पदार्थों का उत्पादक तथा इंद्रिय गोचर होता है। घर के छत के छेद से जब सूर्य किरणें प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्र गोचर होते हैं, वे ही त्रस रेणु हैं। यथा जालांतर गते भानो यत सूक्ष्म दृश्यते रजह तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। त्रिअणुक का महत्व ह्युणकों की संख्या के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके अणु परिमाण से। चार त्रसरेणुओं के योग से चतुर्णुक की उत्पत्ति होती है, फिर स्थूल पदार्थों की इत्यादि। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके सारे स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ये परमाणु उपादान कारण है और उनका विशेष रूप से संयोग होना साधारण कारण है। और ईश्वर, जिसके ज्ञान और प्रेरणा से यह परमाणु विशेष रूप से संयुक्त हो रहे हैं, वह और अदृष्ट इनका निमित्त कारण है। इस प्रकार न्याय और वैशेषिक ने सांख्य की प्रकृति और महत्तत्व को जड़ तत्व के वर्णन करने की आवश्यकता नहीं देखी। जिस प्रकार सांख्य ने पांच तन्मात्राओं और अहंकार को स्थूल भूतों और इंद्रियों आदि का प्रकृति माना है, इसी प्रकार न्याय और वैशेषिक ने परमाणुओं को स्थूल भूत, शरीर और इंद्रियों का उपादान कारण माना है। किंतु जहां सांख्य ने अहंकार और तन्मात्राओं को महत्तत्व की विकृति माना है, वहां न्याय और वैशेषिक ने मन और परमाणुओं को निरवयव होने के कारण इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण की खोज करने की आवश्यकता न समझी। जिस प्रकार सांख्य और योग ने स्थूल भूत और इंद्रियों को केवल विकृति माना है, वैसे ही इन दोनों दर्शनकारों ने स्थूल भूत और इंद्रियों को मध्यम परिमाण वाला और अनित्य माना है। सांख्य के तीनों गुणों के परिणाम के स्थान पर इन्होंने परमाणुओं का विशेष रूप से संयोग ही साधारण कारण माना है। तीसरा निमित्त कारण ईश्वर चारों दर्शनकारों को समान रूप से अभिमत है, यद्यपि उसको विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी है। जिस प्रकार सुवर्ण से बने हुए आभूषण की परीक्षा के समय सुवर्णकार की परीक्षा करना बुद्धिमता नहीं है, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को तो सभी दर्शनकारों ने माना है। यथा क्षित्यादिकं सकर्त्रिकं कार्यत्वात् घटवत्। जिस प्रकार कुम्हार घट का बनाने वाला है, उसी प्रकार ईश्वर जगत का बनाने वाला है। ईश्वर है कारणम् पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्। मनुष्यों के कर्मों के फल जिसके हाथ में है, वही ईश्वर है। संज्ञा कर्म त्व सम द्विशिष्टा नाम लिंगम प्रत्यक्ष प्रवृत्तवात् संज्ञा कर्मणः। इन सूत्रों की शंकर मिश्र ने इस प्रकार व्याख्या की है, संज्ञा नाम कर्म कार्यक्षित्यादि तदुभयम् अस्मद्विशिष्टा नामीश्वर महर्षि नामा सत्वे अपि लिंगम घटपट आदि संज्ञा निवेशनम अपि ईश्वर संकेतादि नमेव यह शब्दो यत्र ईश्वरेण संकेततिह स तत्र साधुः तथा च सिद्धम संज्ञा ईश्वर लिंगत्वम एवं कर्मापि ईश्वरे लिंगम तथा हि क्षित्यादिकं सकृत्रकं कार्येत्वाद् घटवदिति। संज्ञा अर्थात नाम और कर्म अर्थात पृथ्वी आदि कार्य, ये दो चीजें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट ईश्वर और महर्षि आदि के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। घटपट आदि नाम से वे ही पदार्थ किस प्रकार समझे जाते हैं,
ईश्वर के संकेत से पृथ्वी जल सब कार्य हैं, तब इनका कर्ता भी अवश्य होना चाहिए, वही ईश्वर है। तद्वचनात् आमनेयस्य प्रामाण्यम्। इसमें तद् शब्द ईश्वर का बोधक है। इन सूक्ष्म प्रमाणियों को अवकाश देने वाला एक व्यापक जड़ तत्व चाहिए था। उसके लिए न्याय और वैशेषिक ने आकाश महान परिमाण वाला मूल प्रकृति के स्थान पर माना है। आकाश से अतिरिक्त इन दोनों दर्शनकारों ने प्रमाणुओं के संयोग कर्म तथा परत्व अपरत्व दिखलाने के लिए दिशा और काल को भी महत परिमाण वाला माना है, जिनको सांख्य और योग ने बुद्धि का निर्माण किया हुआ मानकर 24 तत्वों में सम्मिलित नहीं किया है। सांख्य तथा योग के सदृश ये दोनों दर्शन भी आत्मा को विभू और शरीर, इंद्रिय तथा मन से पृथक चेतन तत्व मानते हैं। आत्मा को जड़ तत्व से भिन्न दिखलाने वाले चिन्ह निम्न प्रकार बतलाए हैं। प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनोलिंगानि। प्राण अपान पलक मींचना खोलना, जीवन मन की गति, एक इंद्रिय के प्रत्यक्ष से दूसरे इंद्रिय में विकार उत्पन्न होना, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न आत्मा के लिंग या चिन्ह हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान आत्मा के लिंग हैं। आत्मा शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व है, क्योंकि श्वास को बाहर निकालना, अंदर ले जाना, पलक झपकाना आदि क्रियाएं उसी समय तक रहती हैं जब तक उसका आत्मा से संयोग रहता है। आत्मा से संयोग छूटने पर मृतक शरीर में क्रियाएं नहीं होती, इसलिए जहां ये क्रियाएं हो वहां आत्मा का होना सिद्ध होता है। योग और सांख्य ने बुद्धि अर्थात चित्त को पृथक तत्व माना है, किंतु न्याय और वैशेषिक ने इसको आत्मा में ही सम्मिलित करके आत्मा के सबल स्वरूप के धर्म ज्ञान प्रयत्न आदि बतलाए हैं। इसलिए जहां सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान अथवा चेतन स्वरूप माना है, वहां न्याय और वैशेषिक ने ज्ञान और प्रयत्न आदि धर्म वाला माना है, क्योंकि ज्ञान और प्रयत्न आदि को आत्मा का धर्म माने बिना वैशेषिक के लक्षणा अनुसार आत्मा का अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षण से सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके लक्षणा अनुसार द्रव्य या तो समवायीकरण हो जैसे परमाणु स्थूल भूतों के, या क्रिया वाला हो जैसे मन तथा परमाणु, या गुण वाला हो जैसे आकाश शब्द गुण वाला है। चेतन स्वरूप आत्मा में ये तीनों धर्म न होने से वैशेषिक और न्याय के लक्षणा अनुसार जो केवल भौतिक पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को बतलाते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो सकता था। इसलिए इन्होंने बुद्धि को आत्मा में सम्मिलित करके उसके धर्म ज्ञान प्रयत्न आदि से आत्मा के सबल स्वरूप का अस्तित्व बुद्धि के साथ सिद्ध किया है। वैशेषिक सूत्र 3-2-4 और न्याय सूत्र 1-10 में बतलाए हुए लिंग आत्मा के धर्म नहीं है और न इनका आत्मा के साथ समवाय संबंध है। यह आत्मा का शरीर के साथ अस्तित्व बतलाने के लिए केवल चिन्ह मात्र है। जैसे राम के मकान को निर्देश करने के लिए यह कहा जाए, जिस मकान में आम का वृक्ष है वही राम का मकान है। इन दोनों सूत्रों में आत्मा के सगुण अर्थात सबल स्वरूप को बतलाया है, जिसकी संज्ञा जीव है, क्योंकि प्राण अपान पलक मींचना पलक खोलना जीवन यह सब प्राण के धर्म है। मन की गति मन का धर्म है, इंद्रियों का विकार इंद्रियों का धर्म है, इच्छा द्वेष दुख सुख प्रयत्न और ज्ञान बुद्धि के धर्म हैं। ये सब तीनों गुणों के कार्यों के धर्म
गुण रूप ही हैं। इसी बात को गीता अध्याय के 5, 8 तथा 9 श्लोक में बताया गया है। नैव किंचत करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रेण्वन् स्पर्शन् जिग्रन् शन्न गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहणु मिशिन्न मिशिन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने-अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आत्मा का शुद्ध स्वरूप वैशेषिक के सूत्र 7, 1 और 22 में बताया गया है। विभवान महाना काशस्तता चात्मा। विभु धर्मवान महान है, आकाश वैसे आत्मा है। वैशेषिक के इस सूत्र के अनुसार ही श्रुति स्मृतियों में आत्मा के शुद्ध ज्ञान स्वरूप को व्यापक और निष्क्रिय ही माना है। यथा आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश के समान आत्मा व्यापक और नित्य है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातनः, यह आत्मा नित्य व्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय और सनातन है। यथा सर्वगतम सौक्षम्याताकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्सनम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाश्यति भारत। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश भी सूक्ष्म होने से लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। आत्मा के शबल स्वरूप की पिंड रूप व्यष्टि शरीर में सिद्धि से सामान्य तो दृष्ट प्रमाण द्वारा परमात्मा के शबल स्वरूप की ब्रह्मांड रूप समष्टि जगत में सिद्धि होती है। वैशेषिक और न्याय में योग साधन की शिक्षा। आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व प्रमाण और लक्षण से सिद्ध करने के पश्चात इन दोनों दर्शनकारों ने न केवल आत्मा और परमात्मा का किंतु अतींद्रिय जड़ पदार्थों का भी वास्तविक स्वरूप जानने के लिए योग साधना का ही सहारा बतलाया है। यथा आत्मन्यात्म मनसोह संयोग विशेषादातम प्रत्यक्षम, आत्मा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अर्थात आत्मा और मन का योग समाधि द्वारा जब संयोग प्रत्यक्ष होता है तब उस संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, इसी प्रकार अन्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है। असमाहितांतह करण उपसंहरित समाध्यस्तेषां च, युक्त योगी जो समाधि को समाप्त कर चुके हैं उनके लिए बिना समाधि के भी प्रत्यक्ष होता है। तत्समवायात कर्म गुणेषु, उनमें संवेद होने से कर्म गुणों में युक्त और युंजान दोनों प्रकार के योगियों को भी प्रत्यक्ष होता है। आत्मसमवायात्म गुणेषु, आत्मा में संवेद होने से आत्मा के गुणों का प्रत्यक्ष होता है। समाधि विशेषाभ्यासात, समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। अरण्य गुहा पुलीना दिशु योगाभ्यासोपदेशः, वन गुहा और नदी तीर आदि स्थानों में योगाभ्यास का उपदेश किया जाता है। तद्भावाश्च अपवर्गे, और मोक्ष में उसका
इंद्रिय और अर्थ के आश्रय भूत शरीर का अभाव होता है। तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्मसंस्कारो योगाचाध्यात्म विद्युपायः। उस मोक्ष के लिए यम और नियमों से तथा अभ्यास विधि के उपायों द्वारा योग से आत्मा का संस्कार करना चाहिए, अर्थात योग के प्रतिबंधक मल विक्षेप और अवतरण को हटाना चाहिए। चौथा प्रकरण, सांख्य और योग दर्शन। सांख्य और योग भारतवर्ष की प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदांत फिलॉसफी है, जिसने सारे भूमंडल के विद्वानों को विस्मित कर दिया है। परमात्मा के निर्गुण शुद्ध स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में विस्तार पूर्वक किया गया है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। ज्ञान का अंत अर्थात जिसके जानने के पश्चात कुछ जानना शेष न रहे, योग और सांख्य में उसके जानने के साधन विशेष रूप से बतलाए गए हैं, इसलिए सांख्य और योग ही प्राचीन वेदांत फिलॉसफी है। यथा नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नामे को बहुनाम यो विद्धाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादि गम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन जो अकेला ही बहुतों की कामनाओं को पूरा करता है, उस देव को जो कारण है और जो सांख्य और योग द्वारा ही जाना जा सकता है, जानकर सारी फांसों से छूट जाता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थम सन्यास योगाद यत्यह शुद्ध सत्वाह ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत के विज्ञान का उद्देश्य जिन्होंने ठीक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यति जन सन्यास और योग से शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, वे लोग सबसे उत्तम अमृत को भोगते हुए मरने के समय ब्रह्म लोकों में स्वतंत्र हो जाते हैं। तथा नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। सांख्य के समान और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योग के समान और कोई दूसरा बल नहीं है। द्वौ कर्मौ चित्त नाशाय योगो ज्ञानम च राघव योगो वृत्ति निरोधो हि ज्ञानम सम्यक वीक्षणम असाध्यः कस्यचि ध्योगो ज्ञानम कस्यचि देव च प्रकारो द्वौ ततः साक्षात्कार परमः शिवः। हे राम, चित्त का नाश करने के लिए केवल दो निष्ठाएं बतलाई गई हैं, योग और सांख्य। योग चित्त वृत्ति निरोध से प्राप्त किया जाता है और सांख्य सम्यक ज्ञान से। किसी किसी के लिए योग कठिन होता है और किसी किसी को सांख्य। इस कारण परम शिव ने योग और सांख्य दोनों ही को मार्ग बतलाया है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में मैंने पुरातन काल में दो निष्ठाएं बतलाई हैं। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा निष्काम कर्म योग से होती है। यथा सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषिः स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः। सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं। यद्यपि ये दोनों फिलॉसफी अलग-अलग नाम से वर्णन की गई है, किंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। यथा सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यग् उभयोर् विन्दते फलम् यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम् तद्यो गैरपि गम्यते एकम् सांख्यम् च योगम् च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य और योग को पृथक-पृथक अविवेकी लोग ही जानते हैं, न कि पंडित लोग। इन दोनों में से एक का भी ठीक अनुष्ठान कर लेने पर दोनों का फल मिल जाता है।
सांख्य योगी जिस शुद्ध परमात्मा स्वरूप का लाभ करते हैं, योगी भी उसी को ही पाते हैं। जो सांख्य और योग को एक जानता है, वही तत्ववेता है। किंतु इन दोनों में सांख्य किंचित कठिन है। यथा सन्यासतु महाबाहो दुखम आपतु मयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नची रेणाधिगच्छति। किंतु हे अर्जुन, बिना योग के सांख्य साधन रूप में कठिन है। योग से युक्त होकर मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार सत्व, रजस और तमस इन तीनों में से प्रत्येक गुण बिना अन्य दो की सहायता से अपना कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से प्रारंभ नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना भी अपने अपने कार्य में परस्पर एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। सांख्य निष्ठा में ज्ञान प्रधान है तथा कर्म और उपासना गौण, एवं योग निष्ठा में कर्म और उपासना की प्रधानता है। सांख्य और योग दोनों आरंभ में एक ही स्थान से चलते हैं और अंत में एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, किंतु योग बीच में थोड़े से मार्ग से घुमाव वाली पक्की सड़क से चलता है और सांख्य सीधा कठिन रास्ते से जाता है। सांख्य और योग में बहिर्मुख होकर संसार चक्र में घूमने के कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, कलेश तथा सकाम कर्म बतलाए गए हैं और इसी क्रमानुसार अंतर्मुख होने के साधन अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग द्वारा अंतर्मुख होना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांच बहिरंग साधन है और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है। ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। उसका अंतरंग साधन नीति नीति रूप पर वैराग्य है, जिसके द्वारा चित्त से अलग आत्मा को साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति का भी निरोध होकर स्वरूपावस्थिति का लाभ होता है। सांख्य द्वारा अंतर्मुख होना। अष्टांग योग के पहले पांच बहिरंग साधन सांख्य और योग में समान है, किंतु जहां योग में सालंबन अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं, वहां सांख्य में निरालंब अर्थात बिना किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं। उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के स्थान में चित्त और उसकी वृत्तियां दोनों ही त्रिगुणात्मक है, इसलिए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस भावना से आत्मा को चित्त से पृथक अकर्ता केवल शुद्ध स्वरूप में देखना होता है। यह आत्म साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूप एक गुणों की ही सात्विक वृत्ति है। इस प्रकार पर वैराग्य द्वारा इस वृत्ति के निरोध होने पर स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होते हैं। योग में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ईश्वर प्रणिधान। यह ओम की मात्राओं द्वारा उपासना है, अर्थात ओम के अर्थों की भावना करते हुए वाणी से जाप करना एक मात्रा वाले अकार ओम की उपासना है। इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संख्या विश्व है वह उपासक होता है, और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संख्या विराट है वह उपास्य होता है। ओम के मानसिक जाप में अकार उकार दो मात्रा वाले ओम की उपासना होती है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्मा की संख्या तेजस है वह उपासक होता है, और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संख्या हिरण्य गर्भ है वह उपास्य होता है। जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल ओम का ध्यान ही रह जाए
तो यह अकार, उकार, मकार तीनों मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना है। इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए कारण शरीर के संबंध से आत्मा की जो संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता है, और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है। जब यह तीन मात्रा वाली ध्यान रूप वृत्ति भी सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जाए, तो अमात्र विराम रह जाता है। यह कारण शरीर और कारण जगत दोनों से परे शुद्ध परमात्मा प्राप्ति रूप स्वरूपावस्थिति है, जो प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। सांख्य में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ध्यानम निर्विश्यम मनः। इसके द्वारा जो वृत्ति आए उसको हटाना होता है। अंत में सब वृत्तियां रुक जाने पर निरोध करने वाली वृत्ति का भी निरोध करके स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करना होता है। योग का, भक्ति का लंबा मार्ग सुगम है, यह सांख्य के ज्ञान का छोटा मार्ग उससे कठिन है। कार्य क्षेत्र में सांख्य और योग का व्यवहार। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विद मित्रेशाम। योगियों का कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय, क्योंकि योगी के लिए तो पाप कर्म सर्वथा त्याज्य ही है, और कर्तव्य रूप पुण्य कर्म वह आसक्ति, लगाव, ममता और अहमता को छोड़कर निष्काम भाव से करता है। इसलिए बंधन रूप न होने से अकर्म रूप ही है। साधारण अयोगी लोगों के कर्म पाप पुण्य और पाप पुण्य से मिश्रित तीन प्रकार के होते हैं। यह सूत्र सांख्य और योग दोनों के लिए समान है, किंतु योगी कर्म और उसके फल को ईश्वर को समर्पण करके आसक्ति को त्यागते हैं, और सांख्य योगी गुण गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार लगाव से मुक्त रहते हैं। योग की उपासना अर्थात भक्ति का मार्ग लंबा किंतु सुगम है। सांख्य के ज्ञान का मार्ग छोटा किंतु कठिन है। योगियों का कार्य क्षेत्र में व्यवहार। ब्रह्मणाध्याय कर्मणि संघम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रवी वाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवले रिंद्रिये रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संघम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध्य युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमा प्रोन्ति नौष्ठी कीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मों को ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानी में पद्म के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। योगी फल की कामना और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं। योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति रूप शांति को लाभ करते हैं। अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है। सांख्य योगियों का कार्य क्षेत्र में व्यवहार। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो हो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्यन् श्रृण्वन् स्पर्शन् जिग्रन् श्रन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलप्न विसर्जन ग्रहण अनुमिशन् मिशन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हे महाबाहो, गुण विभाग तीनों गुणों के जो बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय आदि ग्रहण और पांचों विषय आदि ग्राह्य रूप है, और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर कर्म और उनके फलों में आसक्त नहीं होता। तत्ववेता सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ,
पकड़ता हुआ, आंख खोलता हुआ और मीचता हुआ भी ऐसा ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। सब चेष्टाओं में केवल इंद्रियां ही अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। सांख्य और योग की उपासना। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों लिंगों से परे है, किंतु व्यवहार दशा में उसका संकेत किसी न किसी लिंग और पुरुष द्वारा ही हो सकता है। योग द्वारा उपासना। योग द्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात प्रथम और मध्यम पुरुष द्वारा की जाती है, यथा प्रथम पुरुष द्वारा ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम् जगत् तेन तक तेन भुञ्जिता मा गृध कस्य स्विधनम्। यह जो कुछ स्थावर और जंगम जगत है वह ईश्वर से आच्छादनीय है, अर्थात सब में ईश्वर को व्यापक समझना चाहिए, उसका त्याग भाव से भोग करना चाहिए, अर्थात ईश्वर समर्पण करके व्यवहार करे, लालच न करे, अर्थात आसक्ति न होने दे। धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। तदेजति तन्नेजति तद्दुरे तद्वन्ति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह हिलता है, वह नहीं हिलता है, वह दूर है, वह निश्चय से समीप है, वह इस सब के अंदर है, वह निश्चय ही इस सब के बाहर है। मध्यम पुरुष द्वारा ऊत वाप पिता असि न ऊत भ्रातोत न सखा सनो जीवात वे कृधि। हे परमात्मन, तू हमारा पिता है, तू भ्राता है, तू ही सखा है। हे प्रभो, हमारा आयुष्य बढ़ाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं और आप ही सखा हैं, आप ही विद्या है, आप ही द्रव्य हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तत्वमसि, वह तू है। यहां त्वम मध्यम पुरुष उस शुद्ध परमात्म तत्व का निर्देश करता है जो सबके अंदर व्यापक हो रहा है और जहां तक पहुंचना प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। सांख्य द्वारा उपासना। सांख्य द्वारा उसकी उपासना अहंकार देश अर्थात उत्तम पुरुष द्वारा और आत्मदेश अर्थात आत्मा द्वारा की जाती है, यथा उत्तम पुरुष द्वारा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और संहार रूप हूँ। अहम् ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ अहम् उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकार को नहीं बतला रहा है जो त्रिगुणात्मक महत्तत्व की विकृति है, और न उसके साथ चेतन तत्व के सम्मिश्रण को जिसकी संज्ञा जीव है, किंतु शुद्ध परमात्म तत्व का निर्देश कर रहा है जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो रहा है, जो असंप्रज्ञात समाधि तथा कैवल्य की अवस्था में शेष रह जाता है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, अर्थात जहां तक हमको पहुंचना है वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है, किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार द्वारा ही किया जा सकता है। रज और तम बंधन में डालने वाले होते हैं और केवल सत्व बंधन से छुड़ाने वाला है, इसलिए यहां सात्विक अहंकार के राजसी तामसी अंश को हटाया जा रहा है। राजसी तामसी अहंकार नष्ट होने के पश्चात केवल सात्विक अहंकार शेष रह जाता है। यह एक प्रकार से विवेक ख्याति की अवस्था है, जिस प्रकार विवेक ख्याति अन्य सब वृत्तियों के निरोध पूर्वक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है, इसी प्रकार यहां भी सात्विक अहंकार
राजसी तामसी अहंकार को नष्ट करने के पश्चात स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। इस अहंकार के सर्वथा अभाव रूप असंप्रज्ञात समाधि अथवा कैवल्य की अवस्था में जो शुद्ध परमात्म तत्व शेष रह जाता है, उसी को निर्देश कराने के लिए यह अहंकार देश है। आत्मा द्वारा अग्निर यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव एकस्थता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिष्च। वायुर रथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव एकस्थता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिष्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषिर बाह्य दोषः एकस्थता सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। जिस प्रकार एक ही अग्नि नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रति रूप हो रही है, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में प्रति रूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार सूर्य सब लोकों का चक्षु होकर भी आँखों के बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा लोक के बाह्य दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उनसे बाहर है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यहाँ आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक तीनों शरीरों के परित्याग पूर्वक शुद्ध आत्म तत्व का निर्देश करता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरों से अधिक समीपता के सूचक हैं, किंतु कर्म और भक्ति प्रधान योग साधारण मनुष्यों को ज्ञान प्रधान सांख्य से अधिक आकर्षक और सुगम प्रतीत होता है। पर भक्ति और कर्म भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचकर ज्ञान का रूप ही धारण कर लेते हैं। यथा यदग्ने स्यामहम् त्वम् त्वम् वाघस्या अहम् स्युष्टे सत्या इहा शिशः। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, अर्थात द्वैत भाव मिटकर एकत्व भाव उत्पन्न हो जाए, तो तेरा आशीर्वाद संसार में सत हो जाए। यथा जब मैं था तब तू ना था, तू पायो मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वै न समाए। इस प्रकार सांख्य और योग में बीच के मार्ग में थोड़ा सा ही अंतर है। सांख्य दर्शन। गीता में सांख्य को ज्ञान योग तथा सन्यास योग के नाम से भी वर्णन किया गया है। सांख्य नाम रखने का यह भी कारण हो सकता है कि इसमें गिने हुए 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य नामकरण का रहस्य एक विशिष्ट सिद्धांत प्रकृति पुरुषान्यात ख्याति में भी छिपा हुआ है, क्योंकि प्रकृति पुरुषान्यता ख्याति या प्रकृति पुरुष विवेक का ही दूसरा नाम संख्या बराबर सम्यक ख्याति बराबर सम्यक ज्ञान बराबर विवेक ज्ञान है। किसी वस्तु के विषय में तद्गत दोषों तथा गुणों की छानबीन करना भी संख्या कहलाता है। यथा दोषाणाम च गुणाणाम च प्रमाणम प्रविभागतः कंचिद अर्थमभिप्रेत्य संख्येत्य उपधार्यताम। संख्या का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया गया है। यथा शुद्ध आत्म तत्व विज्ञानम सांख्य मित्या भी दीयते। सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि। सांख्य के प्रवर्तक श्री कपिल मुनि हुए हैं और योग दर्शन के निर्माता श्री पतंजलि मुनि। कपिल मुनि आदि विद्वान और प्रथम दर्शनकार है। यथा सिद्धा नाम कपिलो मुनिः, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्ने ज्ञानिर विभर्ति, जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है, तथा आदि विद्वान निर्माण चित्तम धिष्ठाए कारुण्यात भगवान परम ऋषि सूर्य जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच। आदि विद्वान भगवान परम ऋषि ने
निर्माण चित के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरी को दया भाव से शास्त्र का उपदेश दिया। सर्गादावादी विद्वानत्र भगवान कपिलो महामुनिर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्भभूव सृष्टि के आदि में आदि विद्वान पूजनीय महामुनि कपिल धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से संपन्न प्रकट हुए। सांख्य के प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य आदि विद्वान भगवान कपिल मुनि के पश्चात विज्ञान भिक्षु के समय तक सांख्य के निम्नलिखित प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। आसुरी मुनि, पंचशिखाचार्य, पतंजलि, जैगी शव्याचार्य, वार्षगण्याचार्य, विंध्यवासी, जनक, पराशर, व्यास, ईश्वर कृष्ण आर्य। कई लेखकों ने निम्नलिखित नामों को भी सांख्य आचार्यों में सम्मिलित किया है: भार्गव, उल्लूक, वाल्मीकि, हारित, देवल, बाधली, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पंचाधिकरण, कौंडिन्य, मूक, गर्ग, गौतम। सांख्य के मुख्य ग्रंथ। सांख्य के बहुत से प्राचीन ग्रंथ इस समय लुप्त हैं। कई एक के केवल नाम ही मिलते हैं। पहला, परम ऋषि कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास। इसके वर्तमान समय में केवल 22 सूत्र मिलते हैं। वास्तव में इसी को सांख्य दर्शन कहना चाहिए। इसका उपदेश भगवान कपिल ने आसुरी जिज्ञासु को किया था और भगवान कपिल जैसे आदि विद्वान द्वारा आसुरी जैसे जिज्ञासु के लिए साक्षात्कार पर्यंत इन्हीं सूत्रों का उपदेश परमार्थक हो सकता है। आसुरी के बनाए हुए किसी विशेष ग्रंथ का तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धांत का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। स्यात्वाद मंजरी में आसुरी का एक श्लोक उद्धृत किया गया है। तत्व समास पर विज्ञान भिक्षु के शिष्य भावा गणेश कृत सांख्य तत्वायार्थ अर्थ दीपन टीका प्रसिद्ध है तथा शिवानंद कृत सांख्य तत्व विवेचन सर्वोपकारिणी टीका सांख्य सूत्र विवरण आदि टीकाएं भी हैं। दूसरा, पंच शिखाचार्य के सूत्र। आसुरी ने कपिल मुनि से प्राप्त की हुई सांख्य की शिक्षा का पंच शिखाचार्य को उपदेश किया, जिसने इस शास्त्र का विस्तार किया। इस प्रकार का वर्णन सांख्य कारिका में आता है। इन सूत्रों का ग्रंथ लुप्त है। व्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लगभग 21 पंच शिखाचार्य के सूत्रों को कई स्थानों में उद्धृत किया है। तीसरा, वार्षगण्याचार्य प्रणीत षष्ठी तंत्र। यह ग्रंथ भी नहीं मिलता है। 60 प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण अथवा 60 परिच्छेद होने के कारण इसका नाम षष्ठी तंत्र रखा गया था। ईश्वर कृष्ण आर्य ने अपनी सांख्य सप्तति को षष्ठी तंत्र के आधार पर ही बनाया है। वे 72वीं कारिका में लिखते हैं कि षष्ठी तंत्र के सविस्तर विषय को सांख्य सप्तति में संक्षिप्त किया गया है और उसकी आख्यायिकाएं आदि छोड़ दी गई हैं। श्री व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में वार्षगण्याचार्य के वचनों को कई स्थानों में लिखा है। चौथा, सांख्य सप्तति। सांख्य सप्तति अथवा सांख्य कारिका षष्ठी तंत्र के आधार पर आर्य मुनि ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य 70 कारिकाएं हैं। इस कारण इसका नाम सांख्य सप्तति रखा गया है। इस पर वाचस्पति मिश्र द्वारा की हुई टीका पहली सांख्य तत्व कौमुदी कहलाती है। दूसरी गौड़पाद भाष्य भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंतु तीसरी माठर वृत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती है। चौथी युक्ति दीपिका, पांचवी जय मंगला, छठी चंद्रिका भी प्रसिद्ध टीकाएं हैं। पांच, सांख्य सूत्र। ये 527 सांख्य सूत्र 6 अध्यायों में विभक्त हैं। पहले अध्याय में विषय का प्रतिपादन,
दूसरे में प्रधान के कार्यों का निरूपण, तीसरे में वैराग्य, चौथे में सांख्य तत्वों के सुगम बोध के लिए रोचक आख्यिकाएं, पांचवे में पर पक्ष का निरास और छठे में सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय है। इस पर विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा है। सामान्यतः ये कपिल मुनि के बनाए हुए सूत्र माने जाते हैं और षटध्यायी सांख्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में कई आधुनिक विद्वानों का विचार है कि यह सांख्य सप्तति के आधार पर लिखा हुआ उसके पिछले समय का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बहुत से सूत्र सांख्य कारिका से लिए हुए प्रतीत होते हैं। शंकराचार्य ने सांख्य कारिका के अतिरिक्त इसके सूत्रों को कहीं भी प्रमाण में उद्धृत नहीं किया है। वाचस्पति मिश्र ने, जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्य कारिका की भी टीका की है, इस ग्रंथ में से एक भी सूत्र को प्रमाण रूप में नहीं दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रों के संग्रहकर्ता विज्ञान भिक्षु हैं और संभव है उनमें से बहुत से सूत्र स्वयं उनके बनाए हुए हों, जैसा कि सांख्य प्रवचन भाष्य की भूमिका से प्रतीत होता है। कालार्क भक्षितम सांख्य शास्त्रम ज्ञान सुधाकरम कला वशिष्टम भूयो अपि पुरैष्य वचो अमृतहि। सांख्य ज्ञान चंद्रमा को काल रूपी राहु ने निगल लिया है, उसकी एक कला शेष रह गई है, उसको फिर मैं अमृत रूपी वचन से पूरा करूंगा। स्वयं विज्ञान भिक्षु ने भी तत्व समास को ही अपने सांख्य प्रवचन भाष्य का आधार माना है, जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है, तत्व समासाख्यम ही यत संक्षिप्तम सांख्य दर्शनम तस्येव प्रकर्षिणास्याम निर्वचनम। तत्व समास नामी जो संक्षिप्त सांख्य दर्शन है उसी को इसमें खोलकर बतलाया है। इसके विपरीत कई विद्वानों ने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्य दर्शन माना है। उनके विचारानुसार सांख्य सप्तति से इसमें सूत्र लिए गए हो इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है कि इसी सांख्य सप्तति से वे सूत्र लिए गए हों, अथवा किसी अन्य सांख्य ग्रंथ से इन दोनों में लिए गए हों। सांख्य सप्तति को इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त होने के कारण इसके सरल और आर्या छंदों में श्लोकबद्ध होना हो सकता है। इन सूत्रों पर अनिरुद्ध वृत्ति विज्ञान भिक्षु से पूर्व समय की मानी जाती है। साम, प्र, भा, भू पांच से अभिप्राय इन सूत्रों पर प्रवचन भाष्य लिखना ही हो सकता है, जिनका संकेत उनके शिष्य भावा गणेश ने अपने तत्वायाथ अर्थ्य दीपन में स्थान स्थान पर किया है। वैसे भी विज्ञान भिक्षु को सांख्य योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का सुयश प्राप्त है। इनके योग दर्शन व्यास भाष्य पर योग वार्तिक और सांख्य योग के आधार पर ब्रह्म सूत्र पर विज्ञानामृत भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने सांख्य सार तथा योग सार में इन दर्शनों के सिद्धांतों को संक्षिप्त और सरल ढंग से प्रतिपादन किया है, किंतु इन सूत्रों को कपिल मुनि प्रणीत कहना अत्यंत भूल है, क्योंकि आधे शक्ति योग इति पंचशिखी से इनका पंचशिखा आचार्य के पश्चात तथा पांच सूत्र 79 में बोधों का शून्यवाद, पांच सूत्र 85 में वैशेषिकों के 6 पदार्थ और पांच सूत्र 86 में न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन होने से इनका वैशेषिक न्याय और बौद्ध धर्म के पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है। श्वेता श्वतर उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता भी सांख्य और योग के ही ग्रंथ हैं। श्वेता श्वतर में उसके आभ्यांतर रूप और गीता में उसके आभ्यांतर रूप और सिद्धांतों के अतिरिक्त कार्यक्षेत्र में व्यवहारिक रूप को विशेषता के साथ दर्शाया है। गीता में योग और सांख्य
इन ही दो निष्ठाओं का विशेष रूप से वर्णन है। योग की निष्ठा में गुणों का किसी न किसी अंश में संबंध रहता है। सांख्य की निष्ठा तीनों गुणों के सर्वथा परित्याग पूर्वक होती है। यथा निष्काम कर्म योग में योग निष्ठा में सारे कर्मों और उनके फलों को ईश्वर के समर्पण करके फलों की वासनाओं से मुक्त कराया जाता है और सांख्य निष्ठा में तीनों गुण ही ग्रहण और ग्राह्य रूप से बरत रहे हैं। आत्मा अकर्ता है, इस भावना से कर्तापन का अभिमान हटाया जाता है तथा योग निष्ठा में अन्य देश से और सांख्य निष्ठा में अहंकार देश तथा आत्मा देश से ब्रह्म का निर्देश किया जाता है इत्यादि। श्रीमद् भगवत के तीसरे स्कंध में जो भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया है, वह भी सांख्य की उच्च कोटि की शिक्षा है। कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास की व्याख्या। अथास्त तत्व समासः। अब इसलिए तत्वों को संक्षेप से वर्णन करते हैं। व्याख्या। संसार में प्रत्येक प्राणी की यह प्रबल इच्छा पाई जाती है कि मैं सुखी हूँ, दुखी कभी न हूँ। किंतु सुख की प्राप्ति बिना दुख की निवृत्ति असंभव है, क्योंकि दुख की निवृत्ति का नाम ही सुख है। इसलिए सुख के अभिलाषियों को दुख की जड़ काट देनी चाहिए। दुख की जड़ अज्ञान है। जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुख होगा। जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही कम दुख होगा। ज्ञान और अज्ञान तत्वों के संबंध से है। जिस तत्व का अज्ञान होगा, उसी से दुख होगा। जिस तत्व का जितना यथार्थ ज्ञान होता जाएगा, उससे उतनी ही दुख निवृत्ति रूप सुख की प्राप्ति होती जाएगी। जब सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, तो सारे तत्वों से अभय रूप सुख का लाभ होगा। इसलिए सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही सारे दुखों की जड़ का काटना है। अतः सारे तत्वों का संक्षेप से विचार आरंभ किया जाता है। जड़ तत्व संगति। दुख निवृत्ति की इच्छा और प्रयत्न करने वाले का दुख स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निवृत्ति का यत्न ही नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि दुख निवृत्ति की इच्छा करने वाले से भिन्न उससे विपरीत धर्म वाला कोई दूसरा तत्व है, जिसका स्वाभाविक धर्म दुख और जड़ता है। यदि यह कहा जाए कि दुख निवृत्ति की इच्छा और प्रयत्न करने वाला ही एक अकेला चेतन तत्व है, उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। दुख की प्रतीति अविद्या, अज्ञान, भ्रम अथवा माया से होती है, तो ये अविद्या, अज्ञान, भ्रम और माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, जिसके ये स्वाभाविक धर्म हैं। यदि यह कहा जाए कि यह चेतन तत्व से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यह स्वाभाविक धर्म होने से दुख की कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिए किसी भी प्रकार का यत्न करना व्यर्थ होगा। यदि ऐसा माना जाए कि उस चेतन तत्व को ठीक-ठीक न जानने से यह भ्रम इत्यादि हो रहा है, यथार्थ रूप जानने से सब भ्रम और दुखों की निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी भिन्न तत्व की सिद्धि होती है, क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तु का होता है। सबके जानने वाले को किससे जाना जा सकता है? यथा विज्ञातार मरे केन विजानियात। इससे सिद्ध होता है कि चेतन तत्व से भिन्न एक जड़ तत्व है। उसका यथार्थ रूप समझाने के लिए अगले दो सूत्रों में उसको 24 अवांतर भेदों में विभक्त करके दिखलाते हैं। अष्टो प्रकृतये षोडश विकाराः। आठ प्रकृतियां हैं, प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और पांच तन्मात्राएं अर्थात शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, और 16 विकृतियां हैं। पांच स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल,
और पृथ्वी और 11 इंद्रियां, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और 11वां मन। व्याख्या: जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न हो, उसको प्रकृति कहते हैं, अर्थात जो किसी नए तत्व का उपादान कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्व उत्पन्न हो, उसको विकृति विकार, अर्थात कार्य कहते हैं। जड़ तत्व के 24 विभागों में से जो 8 प्रकृतियां बतलाई हैं, उनमें से प्रधान, अर्थात मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है। अन्य 7 तो प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात महत तत्व प्रधान की विकृति और अहंकार की प्रकृति है। अहंकार महत तत्व की विकृति और 5 तन्मात्राओं और 11 इंद्रियों की प्रकृति है। 5 तन्मात्राएं अहंकार की विकृति और 5 स्थूल भूतों की प्रकृति है। 11 इंद्रियां अहंकार की विकृतियां हैं। इनके आगे नया कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृति नहीं, अतः ये केवल विकृतियां हैं। इसी प्रकार 5 स्थूल भूत 5 तन्मात्राओं की विकृतियां हैं। इनके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृतियां नहीं है, अतः ये केवल विकृतियां हैं। ये 24 भेद वास्तव में एक जड़ तत्व प्रधान, अर्थात मूल प्रकृति ही के हैं, जो सक्रिय और चेतना रहित है। जड़ तत्व के इन 24 भेदों को साक्षात कराने के पश्चात ही भगवान कपिल ने इन दोनों सूत्रों का जिज्ञासु आसुरी को उपदेश किया है। जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न हो, उसे प्रकृति, और जिससे आगे कोई नया तत्व उत्पन्न न हो, उसे विकृति कहते हैं। विकृति स्वरूप से अव्यापी और व्यक्त, अर्थात प्रकट होती है। उससे उसकी प्रकृति अनुमान गम्य होती है, जो उसमें व्यापी होने से उसकी अपेक्षा विभू होती है, और उसमें अव्यक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है। 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत अव्यापी और व्यक्त हैं। इनसे आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये केवल विकृति है। इनकी प्रकृति अनुमान गम्य है, जो इनमें व्यापी और अव्यक्त है। स्थूल शरीर से अंतर्मुख होने पर ध्यान की पहली परिपक्व अवस्था में दिव्य निर्मल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का साक्षात्कार होता है। यही 5 तन्मात्राएं 5 स्थूल भूतों की प्रकृति है, किंतु व्यक्त हो जाने से ये प्रकृति नहीं रही, विकृति हो गई। इसलिए इनकी अव्यक्त प्रकृति अनुमान गम्य माननी पड़ेगी। इन तन्मात्राओं से भी अंतर्मुख होने पर ध्यान की परिपक्व अवस्था में केवल अहम अस्मि वृत्ति रह जाती है। ये 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं की प्रकृति अहंकार का साक्षात्कार है, किंतु व्यक्त हो जाने से यह विकृति रूप हो गई। इसलिए इसकी अव्यक्त प्रकृति भी अनुमान गम्य माननी पड़ेगी। इस अहम वृत्ति से भी अंतर्मुख होने पर अहंकार से रहित केवल अस्मिता वृत्ति रह जाती है। यह महत तत्व अहंकार की प्रकृति है, किंतु अब वह महत तत्व भी व्यक्त होने से प्रकृति न रहा, विकृति हो गया। इसलिए इसकी भी कोई प्रकृति अनुमान गम्य माननी पड़ती है। इससे आगे किसी नए जड़ तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, केवल चेतन तत्व रह जाता है। इसलिए यह अनुमान गम्य प्रकृति ही अव्यक्त प्रधान अथवा मूल प्रकृति है। इस प्रकार कपिल मुनि के बतलाए हुए जड़ तत्व के ये 24 अवांतर भेद केवल बुद्धि अथवा तर्क की उपज नहीं है, किंतु अनुभव सिद्ध है। संगति: उपयुक्त रीति से जड़ तत्व के अवांतर भेदों का अनुभव करने के पश्चात जो चेतन तत्व शेष रह जाता है, उसका वर्णन अगले 4th सूत्र में करते हैं।
उसके दो भेद हैं, एक जड़ तत्व से मिला हुआ अर्थात मिश्रित शबल अपर सगुण स्वरूप, दूसरा शुद्ध पर निर्गुण स्वरूप। मिश्रित के भी दो भेद हैं, एक व्यष्टि रूप से अनंत शरीरों के संबंध से, दूसरा समष्टि रूप से सारे ब्रह्मांड के संबंध से। इन तीनों भेदों का वर्णन एक पुरुष शब्द से अगले सूत्र में करते हैं। चेतन तत्व पुरुष, पुरुष के अर्थों का स्पष्टीकरण। 25वां चेतन तत्व पुरुष है, जो तीन अर्थों का बोधक है। पहला, चेतन तत्व व्यष्टि शरीरों से मिश्रित, यथा स य एषो अंतर हृदय आकाशः तस्मिन् अन्यम् पुरुषो मनोमय है अमृतो हिरण्यमय है। यह जो हृदय के अंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो उनका मालिक अमृत और ज्योतिर्मय है। अंतःकरणों के अनंत और परिछिन्न होने से ये पुरुष अनंत और परिछिन्न कहलाते हैं तथा परिछिन्नता के कारण अल्पज्ञ हैं। इनकी संज्ञा जीव भी है। इनकी अपेक्षा से चेतन तत्व आत्मा कहलाता है। दूसरा, चेतन तत्व समष्टि जगत से मिश्रित, यथा सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र आक्षः सहस्त्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तवात्य इति दृष्टा दशानुकूलम्। वह पुरुष हजारों सिर हजारों नेत्र और हजारों पांवों वाला है। वह इस ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरकर भी 10 अंगुल पर खड़ा है, अर्थात 10ों दिशाओं में व्याप्त हो रहा है। समष्टि अंतःकरण के एक और विभू होने से वह एक और सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के कारण सर्वज्ञ है। इसकी संज्ञा ईश्वर पुरुष विशेष सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म और शबल ब्रह्म है। इसकी अपेक्षा से चेतन तत्व परमात्मा कहलाता है। तीसरा, शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से निखरा हुआ केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, यथा एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् दिवि। यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है, पुरुष इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एक पाद है, उसके तीन पाद अमृत स्वरूप अपने प्रकाश में हैं। इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म पर ब्रह्म और परमात्मा है। यह जड़ तत्व की सारी उपाधियों समष्टि व्यष्टि एकत्व बहुत्व इत्यादि से परे केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरण में किया गया है। व्यष्टि अंतःकरणों के समष्टि अंतःकरण के साथ संबंधित होने से जीव ईश्वर का ही अंश रूप भिन्न भिन्न स्थानों में बतलाया गया है, यथा यश्चिन मात्रसो अपि नित्य विमलो पाधिर गुणेर ईश्वरो हो हे कलेश मुखेर गुणेर विरहितो मुक्ते हे सदा निर्गुणः सो अस्मान बुद्धि गुणे हे स्वयं नी गटितान स्वांचाना कृपा सागरो दीनान मोच्यतु प्रभुर गुणमयम पाशम दहन लील्या। जो चिन्ह मात्र रस होकर भी नित्य विमल उपाधि के गुणों से ईश्वर है, जो कलेश प्रमुख हुए गुणों से रहित सदा मुक्त और निर्गुण है, वह कृपा सागर प्रभु स्वयं बुद्धि गुणों से बंधे हुए अपने अंश हम दीनों को लीला के तौर पर गुणमय फंदों को जलाते हुए मुक्त करें, तथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए यद्यपि पूर्ण अंश में जीव ईश्वर नहीं हो सकता, किंतु उसकी उपासना द्वारा उसके तद रूप होकर उसके अनंत ज्ञान धर्म ऐश्वर्य वैराग्य इत्यादि गुणों को ब्रह्म लोक में उपभोग करता है। इस अवस्था के लिए भी वैकृतिक बंध अर्थात मनुष्य लोक के बंधनों की अपेक्षा से मुक्ति का शब्द प्रयोग किया जाता है। इस मुक्ति की अवस्था में जीव संकल्पमय होता है तथा
श्रणवन शुरोत्रम भवति अहंकारो भवति स यदि पितृ लोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन संपन्नो महियते संकल्पा देव तु तच्छुते अतेव चान न्याधिपतिः। इसका अनुभव विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था में होता है। आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता है। दोनों शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व के सूचक हैं। आत्मा पिंड की अपेक्षा से और परमात्मा ब्रह्मांड की। असंप्रज्ञात समाधि में सर्व वृत्तियों का निरोध इस दूसरे प्रकार की मुक्ति का अनुभव है। असंप्रज्ञात समाधि में सर्व वृत्तियों के निरोध होने से शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति होती है, किंतु चित्त में संस्कार शेष रहने के कारण पुनः व्युत्थान अवस्था में आना होता है। चित्त में संस्कार शेष की निवृत्ति पर चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने पर जो पुनः व्युत्थान में न आने वाली शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति है, वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है। यथा गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति यथा नद्य स्यन्द मानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानाम रूपात् विमुक्तः परात्परम् पुरुषम् उपेति दिव्यम्। उनकी 15 कलाएं अपने अपने कारणों में चली जाती हैं और उनकी सारी इंद्रियां अपने सदृश देवताओं में चली जाती हैं। उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अव्यय ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो देती हैं, इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्म का जानने वाला नाम रूप से अलग होकर परे से परे जो दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त होता है। यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामान्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति। जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं या जिसको केवल आत्मा की कामना है, उसके प्राण नहीं निकलते हैं, वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंचता है। इस प्रकार की मुक्ति ही सांख्य और योग का कैवल्य है। ब्रह्म के शबल स्वरूप की उपासना और उसका साक्षात्कार कारण शरीर से होता है। शुद्ध चेतन तत्व में कारण शरीर तथा कारण जगत परे रह जाता है। यहाँ न द्वैत रह जाता है न अद्वैत। यथा अद्वैतम केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे मम तत्वम न जानन्ति द्वैता द्वैत विवर्जितम्। कोई कोई अद्वैत की इच्छा करते हैं और कोई द्वैत की। ये दोनों मेरे शुद्ध परमा तत्व को नहीं जानते। वह द्वैत अद्वैत दोनों से परे है, उसमें न द्वैत है न अद्वैत। भेदा भेद विवर्जित पंथ है, मार्ग भेद अभेद से अलग है। एक कहूं तो अनेक सो दीखत एक अनेक जहां कछु नाई। यहां पर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप अवस्थिति में पहुंचकर चित्त से सारे संस्कारों के नाश कर लेने पर भी जो योगी सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प अपने चित्त में बनाए रखते हैं, इनके चित्तों के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने विशाल सात्विक शुद्ध स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में, जिसमें वेदों का ज्ञान और सारे प्राणियों के कल्याण का संकल्प विद्यमान है, लीन रहते हैं और वे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था के सदृश शुद्ध चैतन्य परमात्म स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। ईश्वरीय नियमा अनुसार संसार के कल्याण में जब जब उनकी आवश्यकता होती है तब तब वे अपने शुद्ध स्वरूप से इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, दूसरे शब्दों में अवतार लेते हैं। यथा
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए और दूषित कार्य करने वाले मनुष्यों का संहार करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। सांख्य और योग को कैवल्य, जिसमें संसार का बीज मात्र भी ना रहे, अभिमत है। इसलिए उन्होंने पुरुष संख्या एक अर्थात जीवात्मा जो अनंत अंतःकरणों के संबंध से अनंत है, जड़ तत्व अर्थात ज्ञान रहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व जो शुद्ध चेतन निष्क्रिय ज्ञान स्वरूप है, इन तीनों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। सांख्य पुरुष अर्थात जीवों की जो संख्या में अनंत है, ज्ञान और सन्यास द्वारा जड़ तत्व अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से पूर्णतया भिन्न करके पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व तक ले जाता है। इसलिए उसमें पुरुष संख्या एक अर्थात जीवों को बहुत्व और पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व को क्रिया रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप के विशेषण के साथ वर्णन किया गया है। योग पुरुष संख्या एक अर्थात जीवों को पुरुष संख्या दो अर्थात पुरुष विशेष बराबर ईश्वर प्राणी धान द्वारा पुरुष संख्या तीन अर्थात परमात्म तत्व तक पहुंचाता है। इसलिए उसमें पुरुष संख्या दो अर्थात ईश्वरत्व की जड़ तत्व के साथ महिमा को विशेष रूप से दर्शाया है। व्याख्या इस चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्व से सर्वथा विलक्षण है अर्थात ज्ञान स्वरूप और निष्क्रिय है। चुंबक और लोहे के सदृश इस चेतन तत्व की सन्निधि से ही जड़ तत्व में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। इस चेतन तत्व की सन्निधि के कारण पूर्वोक्त जड़ तत्व में एक प्रकार का क्षोभ हो रहा है, जिससे प्रधान में महत्तत्व, महत्तत्व में अहंकार, अहंकार में तन्मात्राओं और इंद्रियों का और तन्मात्राओं में सूक्ष्म भूतों से लेकर पांचों स्थूल भूतों तक का परिणाम हो रहा है। इसी आशय को उपनिषद में दूसरे शब्दों में बतलाया है। यस्तंतु नाभ इव तंतु भी प्रधान जयी स्वभावतो देव एकः स्वमाविरणोत स नो दधाद ब्रह्माप्यम्। वह एक अखंड परमेश्वर जो मकड़ी के सदृश प्रधान से उत्पन्न होने वाले तंतुओं से अपने आप को स्वभावते आच्छादित कर लेता है, वे हमें ब्रह्म में लय स्थिति देवे। चेतन तत्व में जड़ तत्व जैसा कोई परिणाम तथा अवांतर भेद नहीं है, अतः शुद्ध चेतन तत्व देश काल जाति तथा संख्या की सीमा से भी परे है। जड़ तत्व की उपाधि से उसमें संख्या का आरोप कर लिया जाता है, इसलिए विकल्प से पुरुष में बहुत्व कहा जाता है अर्थात व्यष्टि चित्तों में प्रतिबिंबित चेतन में चित्त के अन्य धर्मों के समान बहुत्व को भी आरोप कर लिया जाता है और स्वरूप अवस्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में चित्त के अन्य सब धर्मों के अभाव के साथ बहुत्व की भी निवृत्ति हो जाती है। चेतन से प्रतिबिंबित महत्तत्व में जब समष्टि अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ हो तो उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं। उसमें समष्टि महत्तत्व की वृत्ति समष्टि अहंकार है। इस समष्टि अहंकार का क्षोभ रूप परिणाम पांच तन्मात्राएं अर्थात किसी दूसरे तत्व से न मिला हुआ शब्द द्रव्य, स्पर्श द्रव्य, रूप द्रव्य, रस द्रव्य और गंध द्रव्य है। इसी प्रकार अहंकार से ही 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात जब मैं हूँ की वृत्ति का उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ
तो वही मैं देखता हूँ, वही मैं सुनता हूँ, इत्यादि विशेष वृत्ति के उत्पादक विशेष द्रव्य में परिणत हुआ। उपर्युक्त महत तत्व में प्रतिबिंबित चेतन हिरण्यगर्भ पुरुष का वर्णन हुआ। इसी प्रकार व्यष्टि चित्तों में प्रतिबिंबित चेतन अन्य पुरुषों को समझ लेना चाहिए। अहंकार में विशुद्ध सत्व को समष्टि अहंकार और रजस तथा तमस से मिश्रित सत्व को व्यष्टि अहंकार समझना चाहिए। अतः समष्टि चित्त विशुद्ध सत्वमय चित्त और व्यष्टि चित्त केवल सत्व चित्त कहलाते हैं। चित्तों में समष्टि, व्यष्टि और अनेकत्व अहंकार की अपेक्षा से समझना चाहिए। तन्मात्राओं के मेल से स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। शब्द तन्मात्रा के साथ किंचित दूसरे तन्मात्राओं के मेल से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा की अधिकता से स्पर्श गुण वाला वायु, रूप तन्मात्रा की अधिकता से रूप गुण वाला अग्नि, रस तन्मात्रा की अधिकता से रस गुण वाला जल और गंध तन्मात्रा की अधिकता से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। तन्मात्राओं और स्थूल भूतों के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है, जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है। इन पांचों स्थूल भूतों से आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, धातु, दूध, दही आदि सब इन्हीं के रूपांतर हैं। इसलिए ये निरे विकार अर्थात विकृति हैं। जड़ तत्व में सब प्रकार के परिणामों का निमित्त कारण पुरुष है और इन सारे परिणामों का प्रयोजन भी पुरुष का भोग और अपवर्ग ही है। चेतन तत्व, जड़ तत्व, जड़ तत्व की चेतन तत्व से सन्निधि, उस सन्निधि से क्षोभ को प्राप्त हुए जड़ तत्व का 24 तत्वों में विभक्त होना तथा पुरुष का प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, ये सब अनादि अर्थात काल की सीमा से परे हैं। शंका, जैसे अव्यक्त प्रधान व्यक्त महत तत्व आदि का उपादान कारण हो सकता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व जड़ तत्व का उपादान कारण हो सकता है। इसलिए जड़ तत्व को चेतन तत्व से पृथक मानना ठीक नहीं। समाधान, जड़ तत्व प्रधान अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों की न्यूनाधिकता से विषमता को प्राप्त हुई वह 24 अवांतर भेदों में विभक्त हो रही है, किंतु चेतन तत्व निर्गुण शुद्ध ज्ञान स्वरूप है जिसमें न कोई विषमता हो सकती है न परिणाम। शंका, उसकी त्रिगुणात्मक माया से जगत की उत्पत्ति हो सकती है। समाधान, यह केवल शब्दों का अदल बदल है, अर्थात ऐसा मानने में प्रकृति के स्थान में माया शुद्ध चेतन तत्व से भिन्न जगत का उपादान कारण ठहरेगी। यदि माया को शुद्ध चेतन तत्व से अभिन्न उसकी ही एक अनिर्वचनीय शक्ति मान ली जाए तो परब्रह्म में द्वैत की सिद्धि होगी और यह द्वैत उसका स्वाभाविक गुण होने से किसी प्रकार भी पृथक नहीं हो सकेगा और अद्वैत परक महावाक्य तथा वेद शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए तीन गुणों का जिनकी विषमता के कारण प्रधान मूल प्रकृति 24 अवांतर भेदों में विभक्त हो रही है अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। प्रकृति के तीन गुण त्रैगुण्यम। 24 जड़ तत्व सत्व, रजस और तमस तीन गुण वाले हैं। व्याख्या, सत्व का स्वभाव प्रकाश, रजस का क्रिया और तमस का स्थिति है। ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेग वाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाश वाली है वह समयांतर में प्रकाशहीन हो जाती है और अंत में क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस प्रधान होता है, रजस और सत्व गौण रूप से रहते हैं
और अपने समय पर उसमें प्रकट हो जाते हैं। जब वह वस्तु क्रिया वाली होती है, तो उसमें रजस प्रधान होता है, सत्व और तमस गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाश वाली हो जाती है, तो उसमें सत्व प्रधान हो जाता है, रजस और तमस गौण। इस प्रकार सब वस्तुओं में तीनों गुण प्रधान या गौण रूप से विद्यमान रहते हैं। पुरुष से अतिरिक्त जो कुछ भी है, यह सब त्रिगुणात्मक ही है, किंतु ये सब तीनों गुणों के विकृत रूप ही हैं। यथा गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि पथ मृच्छति यतु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायेव सुतुचकम। गुणों का असली रूप अर्थात साम्य परिणाम दृष्टि गोचर नहीं होता। जो दृष्टि गोचर होता है वह माया जैसा है और विनाशी है। गुणों का परिणाम, गुण परिणामशील है। परिणाम सांख्य का पारिभाषिक शब्द है। परिणाम के अर्थ है तब्दीली, अर्थात पहले धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करना। परिणाम दो प्रकार का होता है, एक साम्य अर्थात सरूप परिणाम, जैसे दूध में दूध के निर्विकार बने रहने की अवस्था में होता है। दूसरा विषम अर्थात विरूप परिणाम, जैसे दूध में एक निश्चित समय के पश्चात खटास आदि विकार के आने से होता है। विषम अर्थात विरूप परिणाम का ही प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्ष से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है। तीनों गुणों का साम्य परिणाम ही अनुमान गम्य अव्यक्त अर्थात प्रधान मूल प्रकृति अथवा केवल प्रकृति है। पहला गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्तत्व, चेतन तत्व से इस मूल प्रकृति में एक प्रकार का क्षोभ होकर सत्व में क्रिया मात्र रज का और उस क्रिया को रोकने मात्र तम का प्रथम विषम परिणाम हो रहा है, जो महत्तत्व है, जिसमें कर्तापन का अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ है। महत्तत्व में चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता है और चेतन तत्व में महत्तत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को डालने की अनादि योग्यता है। महत्तत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत द्वी परिवर्तते। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामयहम संभवः सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्त्यः संभवन्ति याहा तासाम ब्रह्म महद्यो निर्हम बीज प्रदह पिता। हे अर्जुन, मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है, इसी कारण जगत परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन, मेरी योनि महत्तत्व है, उसी में मैं गर्भ रखता हूँ और उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि महत्तत्व है और उनमें बीज को डालने वाला मैं चेतन तत्व पिता हूँ। इसलिए हिरण्यगर्भ के लिए जो चेतन तत्व की महत्तत्व के संबंध से संज्ञा है वेदों में इस प्रकार कहा गया है, हिरण्यगर्भ है संवर्त ताग्रे भूतस्य जाते है पतिरेक आसीत। हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतों के एक पति थे। जिस प्रकार महत्तत्व ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है उसको यथार्थ रूप से समझाने के लिए इस स्थूल जगत में न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वांश में ठीक-ठीक घटने वाला उदाहरण। फिर भी इसको तीन प्रकार से बतलाया गया है। पहला, जैसे वायु भुवनों में व्यापक है, इसी प्रकार चेतन तत्व महत्तत्व में व्यापक हो रहा है। यथा वायु रथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो भभूव एकस्थता सर्व भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्च। जिस प्रकार
एक वायु तत्व सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। इसी प्रकार एक आत्मा जो सबका अंतर आत्मा है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से बाहर भी है। दूसरा, जैसे सूर्य जलाशयों में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व महत तत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है। यथा एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितेह एकदा बहुदा चेव दृश्यते जल चंद्रवत। एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराजमान है, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जैसे चुंबक पत्थर की सन्निधि से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण महत तत्व में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। यथा निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहे प्रवर्तते सत्ता मात्रेण देवेन तथा चायम जगत जन्नेह। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्ता मात्र देव से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। आभ्यंतर दृष्टि रखने वाले तत्व वेताओं के लिए ये तीनों उद्धरण समानार्थक हैं। चेतन तत्व के महत तत्व में प्रतिबिंबित होने और बीज रूप से छिपे हुए विशुद्ध सत्वमय चित्त में समष्टि अहंकार के और सत्व चित्तों में व्यष्टि अहंकार के शोप पाकर अहम भाव से प्रकट होने को उपनिषदों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। यथा सो अकाम्यत बहु स्याम प्रजायेति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा इदं सर्वं सृजत यदिदं किंच तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत। उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, मैं प्रजा वाला हूं। उसने तप तापा, तप तपने से पीछे उसने इस सब को रचा जो कुछ यह है। इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ट हुआ। यह स्पष्ट है कि अपने को अपने आप रचना और अपने में अपने आप को प्रवेश करना ये दोनों बातें असंभव हैं, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं कर्ता से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखती हैं और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। दूसरा, महत तत्व का विषम परिणाम अहंकार। पुरुष से प्रतिबिंबित महत तत्व ही सत्व में रजस और तमस की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है। इस अहंकार से ही कर्तापन का भाव आरंभ होता है। यथा अहंकारः कर्ता न पुरुषः। कर्तापन अहंकार में है न कि पुरुष में। महत तत्व का विषम परिणाम अहंकार ही अहम भाव से एकत्व बहुत्व व्यष्टि समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। विभाजक अहंकारी से ग्रहण और ग्राह्य रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं। तीसरा, अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप 11 इंद्रियां। महत तत्व से व्याप्य विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्रहण रूप 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों और 11वें इनके नियंता मन के रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। चौथा, अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप 5 तन्मात्राएं। महत तत्व से व्याप्य विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह्य 5 तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। पांचवा, तन्मात्राओं का विषम परिणाम ग्राह्य रूप 5 स्थूल भूत। विभाजक अहंकार से व्याप्य पांचों तन्मात्राएं ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले 5 स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही हैं। स्थूल भूत और तन्मात्राओं के बीच में
एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है, जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है। इस प्रकार महत तत्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा पांचों तन्मात्राओं में और 11 इंद्रियों में और तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल भूतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज तथा तम का ही व्यवहार चल रहा है, सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि महत तत्व में प्रतिबिंबित चेतन तत्व भी इन राजसी तामसी आवरणों से ढका हुआ भौतिक शरीर तथा भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखलाई देता है। इसलिए उपनिषदों में पुरुष का निवास स्थान चित्त में, जिसका विशेष स्थान अनुमानिक अंगुष्ठ मात्र हृदय है, बतलाया गया है और सांख्य तथा योग द्वारा उसकी प्राप्ति का उपाय स्थूल भूत तन्मात्राएं अहंकार और महत तत्व से क्रमशः अंतर्मुख होते हुए स्वरूपावस्थित होना बतलाया है। जिस प्रकार उत्तर मीमांसा के प्रथम चार सूत्र वेदांत की चतुःसूत्री कहलाते हैं, इसी प्रकार तत्व समास के अष्टो प्रकृते षोडश विकाराः पुरुषः त्रिगुण्यम् ये चार सूत्र सांख्य की चतुःसूत्री हैं, जिनका कपिल मुनि ने सारे ज्ञेय पदार्थों का जिज्ञासु आसुरी को समाधि अवस्था में अनुभव करा के उपदेश किया है। संगति तीनों गुणों का कार्य अगले सूत्र में बतलाते हैं।